दोस्तों अभी जो है पार्ट थ्री में नामांकन बहुत सारे कॉलेज में हो रहा है, बहुत सारे कॉलेज में हो भी चुका है, और कुछ ऐसे भी कॉलेज है जहाँ पे पार्ट थ्री में अभी नामांकन नहीं लिया गया है। तो काफ़ी ये प्रेशर वाली बात है, जो पार्ट टू के स्टूडेंट हैं और उनका रिजल्ट भी अभी नहीं आया है और नामांकन पार्ट थ्री में शुरू भी हो चुका है, तो वे सभी जो अभी काफ़ी डिप्रेशन में, यानी आप लोग अगर पार्ट टू के स्टूडेंट हैं तो आप लोग को काफ़ी प्रेशर बना होगा कि पार्ट थ्री में नामांकन हमारा क्यों नहीं अभी तक हुआ है, यदि हो रहा था तो हमें जानकारी क्यों नहीं दिया गया। तो बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो अभी तक नामांकन नहीं दिए हैं, हालांकि नामांकन की प्रक्रिया लगभग अधिकांश कॉलेजों में शुरू है और पूरा तरह से नामांकन हो भी गया है। कुछ ऐसे कॉलेज हैं जहां पे नामांकन अभी शुरू भी नहीं किया गया है, तो इस वीडियो में हम बताएंगे कि किस किस कॉलेज में नामांकन हो गया है, खत्म हो गया है, और किस कॉलेज में नामांकन होना अभी बाकी है, और कहाँ पर नामांकन प्रक्रिया यदि हो गया है तो फिर भी आपका नामांकन कैसे होगा, यदि आप, यानी मतलब कहने का वक्त, अगर आपका नामांकन छूट गया है और उस कॉलेज में पार्ट थ्री का नाम थ्री में नामांकन सबका हो गया तो फिर आपका नामांकन कैसे होगा। तो जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा, बने रहिएगा, हम एक एक बात को आपको समझाएंगे। तो मिथिला यूनिवर्सिटी का यह है ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पर हमने आ चुके हैं, हमें यूजी पोर्टल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें सब जानकारी जो होता है अपडेट यूजी से रिलेटेड आपको मिल जाता है, यानी अंडर ग्रेजुएट से जुड़ी सभी जानकारी आपको मिल जाती है। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद नीचे आते हैं तो यहाँ पे तरह तरह के ऑप्शंस दिख रहा है, एडमिशन से रिलेटेड कुछ भी यहाँ पर नहीं है, और है भी तो आपको कहाँ पर एडमिशन से रिलेटेड है तो यहाँ पर आप लोग तो देख सकते हैं, एक यहाँ पर है प्रैक्टिकल है, ठीक है, यूजी पार्ट टू प्रैक्टिकल के बारे में जानकारी दिया गया है, यहाँ पर है आज 17-24 से 28 के एडमिशन के बारे में। तो हम चलते हैं नोटिफिकेशन में जो कॉलेजों के द्वारा जारी किया गया है उस पर। तो दोस्तों हम आ चुके हैं कॉलेजों के द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन पर। यूनिवर्सिटी के द्वारा बहुत पहले नोटिफिकेशन दिया गया था लेकिन एडमिशन प्रक्रिया नहीं लिया गया था। तो आप लोग को बता देते हैं कि ये मारवाड़ी कॉलेज का है, ठीक है, और ऐसा ही सभी कॉलेज का नोटिफिकेशन निकल रहा है और सब कॉलेज के द्वारा मनमानी भी किया जा रहा है, पैसा देखिए अथाह लिया जा रहा है, 1700, 1800, 2000, तो कुछ से कुछ पैसा लिया जा रहा है। तो हालांकि इस पर यूनिवर्सिटी कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, तो ऐसा में लग रहा है कि यूनिवर्सिटी अलग से लूट रहे हैं और कॉलेज अलग से लूट रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी कॉलेज हैं जहां पे नामांकन के लिए आपको 600 से 700 रुपया लगा है, और कुछ कॉलेज ऐसा है जहाँ पर 2200 भी लग रहा है और 1700-1800 भी लग रहा है। तो ये कॉलेज पर डिपेंड करता है, प्राइवेट है या सरकारी है, इस चीज़ पर भी आपका डिपेंड करता है। ये मारवाड़ी कॉलेज का अपडेट है जिसमें नामांकन की प्रक्रिया 30 नवम्बर तक चलने वाली है, 22 अगस्त से शुरू होगा और 30 नवंबर तक, सॉरी सितंबर तक चलने वाला है, नौवां महीना था तो हमें नवंबर लग गया, तो आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। इसी प्रकार आपको बता देते हैं कि कुछ ऐसे कॉलेज भी है जहां पे नामांकन नहीं लिया जा रहा है, तो डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी हम आपको बता देते हैं। तो देखिए डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी बात कर लेते हैं, तो डॉक्यूमेंट्स सब कॉलेज का अपना एक नियम होता है तो सब अपने नियम पर चल रहे हैं, लेकिन मेनली जो आपको डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है कॉलेज पर वो मेन 3 डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाला है, पार्ट वन का मार्कशीट जो आपने नेट वाला निकाले हैं वही वाला, या फिर ओरिजिनल अगर आप ले लिए हैं कॉलेज से तो वो, और उसके बाद पार्ट टू में नामांकन वाला रसीद आपको लगेगा, ठीक है, इसका और एडमिट कार्ड, यहाँ पर हमने भूल गए हैं, एडमिट कार्ड तो आपको एनीहाउ देना ही पड़ेगा, ठीक है, एडमिट कार्ड और इसके अलावा फोटो सिग्नेचर आपको देना है, बस यही जरूरी का डॉक्यूमेंट्स यही है आपका, ठीक है। बाकी कुछ और कॉलेज है जिसका अपडेट आपको नीचे बता रहे हैं, यहाँ पर है अमीर हसन शुक्र अहमद महाविद्यालय, तो यहाँ पर देखिए नामांकन प्रक्रिया के लिए 24 तक ही मौका दिया गया था, इसके बाद नामांकन का कोई अन्य मौका नहीं दिया जाएगा, और कॉलेज का क्या कहें, अब वो मौका देगा नहीं, कैसे मौका देगा, तो घबराइए नहीं, मौका आगे आपको मिलने वाला है, ठीक है, पार्ट थ्री में नामांकन के लिए। अभी लगभग लगभग कुछ ही कॉलेज बचा हुआ है जहाँ पर नामांकन नहीं लिया गया है, बाकी सभी जगह नामांकन प्रक्रिया शुरू है, हो भी रहा है, आप अपने कॉलेज से पता कर लीजिए तो आपको पता चल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि हम आपको जानकारी दे दें तो इसके लिए गूगल को ओपन कर लीजिए और यहाँ पे सर्च कीजिए MNC क्लासेस या माधव NCERT क्लासेस, या ये वेबसाइट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ आइए आपको यूनिवर्सिटी अपडेट मिल जाएगा, यूनिवर्सिटी का छोटी बड़ी अपडेट आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है देखने के लिए। अब इसमें आ जाएंगे तो यहाँ पर हर एक जानकारी दिया गया है, लास्ट चांस भी बहुत जगह पर मिला है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर आपका नामांकन छूट गया है पूरी तरह से तो आप कॉलेज जाइए, चुपचाप आपका नामांकन वहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए नवीनतम अपडेट पाने के लिए, छोटी बड़ी अपडेट पाने के लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम और व्हाट्सएप से ज्वाइन हो जाना है, ठीक है, निश्चित रूप से आप ज्वाइन हो जाइए, मिथिला यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए सभी जानकारी आपको हम यहाँ पर देते रहेंगे, साथ ही साथ पार्ट थ्री के तैयारी के लिए भी आप यहाँ पर ज्वाइन हो जाइए। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, टेलीग्राम पर हम आपको सभी कॉलेज का नोटिफिकेशन जैसे ही हमारे पास आएगा हम आपको वहाँ पर दे देंगे, तो आप लोग जल्दी से ज्वाइन हो जाइए, ठीक।
इसके अलावा ये डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है और नीचे लिंक दिया गया है जहाँ से पार्ट 3 में नामांकन। ये वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा, इसमें देख सकते हैं ये ऑफिशियल सूचना यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी किया गया था, ठीक है, नामांकन के संबंध में। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये सब जो है नोटिफिकेशन यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से आकर के आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं पार्ट 3 में नामांकन से लेकर के सभी जानकारी को आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे आगे भी शेयर कीजिए। मिलते हैं न्यू अपडेट के साथ। घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि जो भी अपडेट आएगी हम आपको देते रहेंगे, लेकिन आप लोग एक बार कॉलेज से ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।